और अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के 14वें ग्लोबल कन्वेंशन की। जी हाँ, इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि आयोजन में यूनाइटेड नेशंस से जुड़े विभिन्न देशों के 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं और खास बात, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के साथ साथ पुलिस हर जगह चेकिंग अभियान चला रही है, चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। इसी बीच जब पुलिस ने कार को इशारों में रोकने को कहा तो कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस और कुछ बदमाशों में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की चलाई गोली लगने से जहां दरोगा घायल हो गए, वहीं पुलिस की जवाबी कार्यवाही से भी दो बदमाश जख्मी हुए हैं। उनके दो साथी मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन बादलपुर मुठभेड़ का समाचार फ्लैश होते ही दादरी पुलिस सतर्क हो गई और फरार हुए दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने घायलों को नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।